सरदारपुर नगर में पुलिस विभाग को आवंटित की गई जमीन पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज मुहिम चलाई गई, जिसको लेकर भारी हंगामा भी हुआ। इस दौरान एक महिला ने जहर भी खा लिया, जिसे उपचार के लिए सरदारपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां वह उपचाररत थे। एसडीएम सरदारपुर के अनुसार पुलिस विभाग के लिए स्वीकृत जमीन पर कई लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इसमें करीब 20 लोगों को खाली करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, परंतु लोगों ने अनदेखी की, जिसके बाद प्रशासन को अतिक्रमण मुहिम के तहत वहां से अवैध कब्जे जेसीबी और अन्य साधनों से हटाने पड़े। इस दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा और एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जो उपचाररत है और ठीक है। वहीं प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुहिम वाली भूमि पर कई प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके आशियाने उजड़ गए हैं तथा उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार जारी रहेगी तथा क्षेत्र में कई स्थान अभी बाकी है। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत एसडीएम विजय राय, एसडीओपी ऐश्वर्य शास्त्री, तहसीलदार प्रेम नारायण परमार सहित प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। महिला को लाए हैं, भाईजन वाला केस क्या है? जी, अस्पताल में 5 बजे राम कन्यापति रमेश 40 वर्ष को जेरी देवकरण कारण लाया गया है। उसका इलाज नहीं जारी है। क्या स्थिति है? अभी स्टेबल है, स्थिर स्थिति और ऑब्जर्वेशन में। हाँ, मकान छोड़ दिया हमारे, सब रहने का जगह ही नहीं है बिल्कुल, और गरीब है बिल्कुल। जाओगे कर दिया है ना? और क्या, आपके बच्चे बच्चे? एक बच्ची और शादी कर दिया है। आपको, आपका भरण पोषण कौन करता है? मैं खुद ही कर रहा हूँ, फिर करके फिर लगाता हूँ मैं। अब यह सामान लेके आप कहाँ पे जाओगे? अभी रोड पे है, यही है मंदिर के सामने। इसको लेके आप यहाँ के नेता और अधिकारियों कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहेंगे नहीं। क्या कहना चाहते? कहीं भी मकान बनवा दे और क्या, सरकारी आवास में। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ? यहाँ मेरे को 1960 से आया हूँ मैं। अच्छा। कम से कम 1960। कोई नोटिस दिया गया आपको मकान तोड़ने? नहीं दिया मेरे को, मेरे दस्तखत करा ली, मेरे को समझ नहीं पड़ी ना, ये तोड़ दिया मेरे से, नोटिस नहीं दिया मेरे को, नहीं दिया किरण को, नहीं दिया पास वाली को, मेरे को नहीं दिया, बाकी सबको नोटिस दिया इन्हें। ये जो अतिक्रमण आज सरदारपुर में हम जो हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो है पुलिस विभाग के नाम से ज़मीन है, पुलिस ग्राउंड के नाम से हमारे खसरे में दर्ज है भूमि, और हमें काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ लोग अतिक्रमण करके जो है मकान बना रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और वो दूसरे लोगों को 2-2, 4-4 लाख रुपये में बेच रहे हैं। ऐसी शिकायत जब मिली तो हमने जांच की और अपने तरीके से उसमें हमने अपने सूत्रों से पता किया, तो वो उस चीज़ की पुष्टि हुई। उसके बाद हमने जो है उन लोगों को जो है अतिक्रमण के नोटिस दिए, नोटिस देने के बाद उनकी सुनवाई की हमने, सुनवाई करने के बाद में विधिवत हमने उनको सूचना दी हटाने की, लेकिन उन्होंने जब नहीं हटाया तो आज हम उनको जो हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिनके द्वारा बेची गई उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुए हैं? वो हम अभी जांच में चल रहा है, उसमें कार्रवाई करेंगे। तो कुछ महिलाएं भेदभाव का आरोप लगा? नहीं नहीं, वो गलत है, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। हम आप लोगों के सामने जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है और सबके साथ एक समान कार्रवाई हो रही है। नोटिस करीब 15 लोगों को दिए थे, 15 में से जो है लगभग जो है हमने सभी के अतिक्रमण भी हटाने की कार्रवाई चल रही है, और अभी अब कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, चल रही है कार्रवाई। जिन लोगों के अतिक्रमण हटाने थे बेघर हो गए, क्या उनको प्रधानमंत्री? नहीं, बेघर कुछ नहीं हुए, बेघर कहीं कुछ नहीं हुए। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उन लोगों के कहीं ना कहीं मकान है यहीं पर, या तो शहर में है सरदारपुर में है, या आसपास के कहीं गाँव में है, वो लोग जो है बेघर नहीं हुए हैं। सरदारपुर में और भी कई धन्ना सीटों के कब्जे हैं, उसके ऊपर वो भी होगी कार्रवाई, होगी समय के साथ सब कार्रवाई होगी। जैसा कि आपको याद है कि वार्ड नंबर 11 में पुलिस लाइन को जो भूमि अलॉट है स्टेट समय से, उस पर कुछ अवैध अतिक्रमण किए जाकर मकानों का निर्माण किया गया था,
इसकी जानकारी मोजा पटवारी द्वारा दिए जाने पर तहसीलदार के द्वारा बेदखली की कार्रवाई और उनको बेदखली के सूचना पत्र दिए गए थे, परंतु उसके उपरांत भी लोगों के द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके परिपालन में आज ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 20 लोगों को नोटिस दिए गए थे। लगभग सभी के मकान जो हैं प्रशासनिक अपने द्वारा आज हटाए गए हैं। और इसी प्रकार से अगर अन्य जगह भी जो अतिक्रमण है उस पर भी हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। अतिक्रमण महिला द्वारा कोई भजन की बात आ रही है? अभी संज्ञान में आया, आप लोगों के द्वारा बताया गया है कि किसी महिला ने भजन पी लिया था और उसको तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है और स्थिति उसके सामान्य है, परंतु जो कार्रवाई की जा रही थी विधि अनुसार की जा रही थी।